ने भी खेत में कुदा दिया, बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो ये गाय आखिर इतना कहाँ से आ गई? ये सब बाहर छोड़ देने गए, गौशाला का नाव है खाली, मार्केट है नहीं इनका, बिक कहूं रही नहीं है, और जो कोई लोग खरीद के ले जाते तो गली में मारा जाते। रुको रुको, ए भैया को बोलो नहीं, कुछ बतावा चाहते, क्या कह रहे हो कि जैसे अगर कोनो का मार दियो? हाँ, टांग टूट गई। टांग टूट गई, हाँ, तो कोई मतलब इतना दरोगा जी के कह दी फोन से ने, दरोगा जी है लेके पकड़ बांध है, वहाँ बंद कर दे है, मतलब पुलिस वाले तो कहा थे कि जेल ना जाए दे, लेकिन एक तरीका है, कोनो तरीका और बतावा थी है। पचास हजार साठ हजार काहे के कि तुमका जेल नहीं हुई, हम छोड़ दे भाई। तो ये देखिए सीतापुर में हम आ गए हैं, और यहाँ पर किसान जो है वो गाय को खेदने के लिए डंडा लेकर खेत में कूद रहे हैं। तो हम भी इनके साथ में निकल पड़े हैं, और जानने के लिए कि ये लोग जो है, जो ये गाय है, जब गौशाला है तो इनके खेत में आखिर ये गाय कैसे आ गया? क्या हाल चाल है दादा? चल बढ़िया भैया। बहुत सारे गाय कहाँ से आ गए भैया? अत्ते और गाँव में कई अत्ते पड़ते हुए आते है नहीं जानवर। तो कितनी उम्र है आपकी? अरे उम्र जैसे 85 हुई हमारी। 85 के है, तो डंडा से डर नहीं लग रहा गाय से? डंडा लेके निकल पड़े? अरे डंडा लेके निकल तो पड़े मुलाब जैसे अच्छा तुम चढ़ते तब निकलेगे। तो आपसे बात करेंगे, देखिए गांव वाले किस तरीके से इसको गाय को खेद रहे हैं। क्या हाल चाल है भैया? परेशानी हाँ। है भैया, ये बहुत तंग के है जानवर है। अरे मारती वारती तो नहीं है? मारती नहीं का, ये बहुत हाँ। जानवर बैठे हो चुके। तो योगी जी जो कह रहे हैं कि गौशाला दे दिया है? कहूँ नहीं है यहाँ गौशाला, यहाँ कुछ नहीं है। कौन सा जिला है ये? ये सीतापुर है। और ये विधानसभा कौन सा है? सिधौली हाँ। और ये ग्राम सभा का नाम बताइए। शाहजहाँपुर हाँ। तो हम सिधौली के शाहजहाँपुर में ग्राम सभापुर में है। तो ये देखिए खेत में किस तरीके से गाय घुस गई है, ये देखिए एक भगी, वो देखिए वो सामने जा रहा है। अरे भैया लग जाएगा। क्या हाल चाल है भैया? हाल चाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा है हाँ। आप लोगों ने भी हमें खेत में कुदा दिया आखिर हाँ। चांद इस तरफ आने की कोशिश करिए, मेरे पास आने की कोशिश करिए। तो आपने हमें भी खेत में कुदा दिया, बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो ये गाय आखिर इतना कहाँ से आ गई? ये सब बाहर छोड़ देने गए, गौशाला का नाव है खाली, मार्केट है नहीं इनका हाँ। बिक कहूँ रही नहीं है, और जो कोई लोग खरीद के ले जाते तो गली में मारा जाते। अरे योगी जी का तो क्या है, बहुत सपना है गाय को सुरक्षित करना, योगी जी का एक सपना है। सपना है लेकिन किसान की सब हत्या हो जाते। किसान की हत्या हो रही है हाँ। कैसे जानवर सब खाए जाते हैं, बाकी ये सब कहूँ महंगाई है, अब किसान को कैसे बना पावत हरा खाए जाते। ये ऐसे ही आती रहती हैं क्या? ये रोजीना ही इतना होती है। किधर भगा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं किधर भगा रहे हैं आप लोग, किस तरह भगा रहे हैं भैया? इधर गांव के बाहर। अच्छा इधर से गांव के बाहर, तो उधर खेत नहीं है क्या? है नहीं का खेत है, मगर दूसरे खेत तुम जैसे ऐसे फिर घुमा दिया है। अच्छा तो उधर से इधर का खेती है, तुम इधर से उधर का खेती हो? और यहाँ होता है रात भर इधर से उधर खेती, रात का करे रात भर जागत जागत। तो अपने विधायक विधायक से क्यों नहीं मिलते, प्रधान से क्यों नहीं मिलते कि भैया हमको गौशाला बनवा दो हमारे क्षेत्र में? कुछ नहीं, कोई सुनते है न प्रधान सुनते न विधायक सुनते, कोई कुछ नहीं सुनते है। विधायक कौन सी पार्टी के हैं? विधायक बसपा से भार्गव है हाँ। तो वे बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं का? हाँ। तो योगी जी कैसे शांत बैठे हैं जब विधायक नहीं सुन रहे हैं? तो योगी जी शांत बैठे हैं तो वे अपन तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, का जरूरत दुनिया मरे या रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज सुनो, ये 2000 रुपया तो तुमका दे रहे हैं? 2000 दे रहे हैं तो 2000 यहाँ इतनी महंगाई कह दें तो एक महीने का खर्चा भरे नहीं खाली मिलते नहीं हमका, तो कोई के हम पंचन मिलते नहीं है। क्या कह रहे हो? अरे जी हैरान, तो छुट्टी में रहा तो कम से कम मजदूरी तो कर सकते आदमी, मजदूरी करी तो 6000 200 रुपया रहो तो 150 पौबे करी 150। अच्छा मतलब आपका पूरा दिन जो है खाली रखवाही में चला जाता, रात दिन 24 घंटा, दिहाड़ी वाड़ी सब बेकार। ये 2000 में क्या होता है? तो चला गवा गाय, कहाँ गया भैया गाय? उधर के आदमी जो है इधर हाँकेंगे तो हम फिर उधर करेंगे। तो मारते मारते वारते नहीं है का गाय? मरकही नहीं होती और मरकही तो है, मारते हैं ज्यादा, मार दे तो टांग टूट जाए तो फिर बंद हो, एक नंबर आए जी, बंद हो जाए
और दरोगा जी है बंद कर दे कोमारी से कैसे का है? नहीं 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 रुको 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 ए भैया को बोलो नहीं कुछ बतावा चाहते का कह रहे हो कि जैसे अगर कोनो का मार दियो टांग टूट गई आगे सटो भैया आगे से टांग टूट गई तो कोई मतलब इतना दरोगा जी के कह दी फोन से ने दरोगा जी है लेकिन पकड़ बांध है वहाँ बंद कर दे है मतलब अच्छा मतलब मारते नहीं है मारते नहीं बस हाँक देते हैं बस इतना काम है मतलब खेतवा हम चरवाई और जब भगाई चोट लग जाए तो जलवा जेल भी हम काटे और का पुलिस वाले तो कहते हैं कि जेल ना जाए देबे लेकिन एक तरीका है कोनो तरीका और का बतावत हुई है तरीका और का कुछ नहीं बतावत हैं 50,000-60,000 काहे के कि तुमका जेल नहीं हुई हम छोड़ देबे अच्छा हां इतने हमारे पड़ोस हम खजुरिया में है एक मारिस रहा उसका मारे दौरा तू जब वो समर पे तो मार दे डंडा तो उसका 50,000 रुपया पड़ा रहा है 50,000 रुपया तब जाए वो बचा रहा है देखो तरस आ रहा दादा के ऊपर खेते माँ हम चल रहे हैं तो हमारी यह हालत है कि पेरवा हमारे थर 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 काँप रहा है दौड़त आवा कांपे तो काम चलते सब चली जाइए हर रुपा तू तो दाना तो को ही नहीं तब रातों भर चलते दिनों भर चलते अब देखो तो हालत जाती रहा सब फट पड़ती जाए धन सब रात झोपड़े तो परी है झोपड़े तो परी है कौन सा ये दे देखो जो सामने अच्छा जो मड़ैया डाले हैं यहाँ के अंदर पहुड़ो रात भर रतिया भर यही में पहाड़ो बस पहुड़ो के पहाड़ो पहुड़ो हम खेत बचाओ अपन पन अपन अपन खेत बचाओ बस तो घर में कौन सा काम रहा था तुमका जो मतलब इतना परेशान है तो ख्यातो तो चढ़ गई है अरे घरोना में कौन काम रहा था रात में काम नहीं तो रात जीव जंतन मैया का हर मैया जानवर मेरे कहा कह रहे हो घर में कोई काम ही नहीं है घर की मेहरुआ कहूँ अंते चली जाए अरे वारे चाचा वारे चाचा मारे एकदम मजा दे दियो झगड़ा झगड़ा मेहरुआ मर्दन होते सबके गणन 2014 हुआ हर बच्चा होते बरहरे नहीं पहुंचे मतलब तुम कहना कहा चाहते हो खुल के बताओ सुना चाहिए कहना कहना कहा चाहे कहना यू चाहे थे रणुआ है सर एक सरकार वह इतना सबका बनाए है अरे भैया मतलब का घर में काम नहीं बन रहा है का अरे काम तो बने तो दौरत का दिनमा बनी रात भर हुआ आदमी हारम है दिनमा तो हारम है मतलब रतिया दिनिया दिन में अगर जब पहुंचा तो लड़के जाके है क्या भैया ऐसे है ऐसे ना ऐसे दर्द है बहुत होते है तब चड्डी पहन के घूम रहे हो चड्डी पहन के घूम रहे हवा लागे थोड़ा गर्मी बाहर निकले गर्मी बाहर निकले और का रात दिन एक इतना है बिल्कुल नहीं तब जेबे सोई जाए थोड़ा बहुत है जाए एक बात सुनो भैया लखीमपुर खीरी उरी में हम सुना है कुछ किसान उसान के ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ा दिया गया है तो दिन है 10-15 दिन पहले अभी हवा है कौन मतलब कुछ पता चला थे कैसे का चीज है कैसे खबर पता को मैं सरकार के मतलब एक विधायक या सांसद का लड़का रहा चढ़ा दी पेपर ऊपर हम देखे रहे अच्छा का लागत है कौन थे मतलब पेपर में का लिखा था पेपर में यही लिखा रहा है कि वही शराब वराब पी के चढ़ा दी आठ लोग आठ दस दिन की मतलब जेल वोल कुछ भवा है फिर बाद में छूटी है फिर छूट जाए फिर जाएगा फिर वही कर्म करेगा वही कर्म वही कर्म आप आपो पढ़े भैया सुने भैया नहीं हम पढ़े नहीं हैं तो हम पेपर नहीं पढ़े सुने भैया हाँ सुनी तो है अच्छा कई जने यहाँ पर जितने किसान हो सुने रहा लखीमपुर खीरी वाला मामला हम भैया नहीं सुने हाँ भैया चार मरे थे एक पत्रकार अरे पत्रकार के नाम लेके हमार जखम न खुरिये जो हाँ पत्रकार का नाम लेके जखम न खुरिये जो विपक्ष के लोग हर जगह पहुंच गए पत्रकार के पास बहुत कम पहुंचे हैं पत्रकार के लिए कौनो आवाज ही नहीं ना पत्रकार सबके लिए आवाज उठावे हाँ तो का सुने रहा है लखीमपुर खीरी वाला मामला बताओ गुस्सा आएगा इसलिए बोल दी ना आप बताओ अरे उमा न्याय के लिए जो है किसान लोग मांग करत रहे हाँ। कोई जो है गल्ला भी इतना मद्दा है मतलब उमा इके लिए धरना प्रदर्शन करत रहे रोड पे यहाँ उमा जो है ये भाजपा के जो है नेता लोग रहे तो इनका जो है मतलब जो हुआ इनका पता रहा पहले से ने अलाउ भी हो जाते हैं कि यहाँ पर यह चीज हो रही है भीड़ इकट्ठा हुई है वहाँ क्या है मेला लगा है हाँ, तो मेला तो है तो तुमका अपन जो है काफिला निकाल रहे हो हाँ। तो उनका एक हिसाब से ना पहले बता दो कि ये भाई काफिला वहाँ निकल रहा साइड में हो जाओ फिर जो है रोड पर धरना प्रदर्शन करो ठीक और जो ये अपन दबंगी के हिसाब से ने जो है
कौन दबंगा अच्छा है वो मंत्री जी के बेटवा? अरे तो यह हो भाई करी, अब जैसा दबंगी है जब रोड पर किसान लोग बैठे हैं अपन मांग कर रहे हैं, सब लोग अपन मांग करते हैं। उधर जाओ नहीं जाओ, लेकिन जो है दूसरा रास्ता रहा है वहाँ पर बतावा जाते हैं कि दूसरा रास्ता से नहीं जा सकते हैं। है तो उधर जी है क्योंकि सरकार मांगे। हाँ यही बात भाई, कुल मिला के बात गाँव गाँव में चल रहा है की सरकार के आदमी जो है वो किसान का रौन दिन। हाँ तो ये मतलब यहाँ पर बेलवा और सड़हवा जो है रौंदा था खेते का है। हाँ भैया वही तरह भैया जैसे यहाँ बियल गाय ये सब रौंदा थे वैसे यहाँ रौंद ही ना में लगा थे वो। वैसे रौंद रहे यहाँ जो कोई साच वाले उनके ऊपर मुकदमा, जो साच बोले मुकदमा जो झूठ वाले उनकी तारीफ करे रंगे कपड़ा पहन ले तो उनका आदमी। तो भैया हो गवा आपके काम?